ये प्याज आज हमने निकाल लिए, पूरी तरह पक चुके हैं। अब इसको दो चार दिन और नहीं निकालते तो बीच में ख़राब होने लग जाते हैं, गलने लग जाता है प्याज। अब ये पूरी तरह पक चुका है, अब इसको इस तरह काट कर रख लेंगे। प्याज को जनवरी के महीने में लगाया जाता है और अप्रैल या मई में निकालने होते हैं इसको, मई तक अच्छी तरह पक जाता है। प्याज को इस तरह रख लिया हमने काट के, अब मिट्टी तो नीचे बैठती रहेगी, इसको बार बार हाथ मारेंगे इसे दो चार दिन के बाद, इस तरह अच्छी तरह सूख के बहुत अच्छा प्याज रहेगा इस सुरक्षित, इसको जितने दिन मर्जी रख सकते हैं। और ये हरी प्याज चाहे तो सब्जी परांठा जो मर्जी बना सकते हैं उसका, ऊपर की हरी प्याज हो तो, या तो नहीं तो खाद के भी काम आएगी, या पशु भी खा लेते हैं उसको। हरी प्याज को भी बेकार न फेंकें, या तो खाद बनाएं आप खाएं या पशु को खिलाएं। एक दो दिन के बाद रखने के बाद क्योंकि तो सारी तो मिट्टी जड़ जाएगी प्याज की, और ये छिल के सारे अपने आप उतर जाएंगे ऊपर के। प्याज को हमने अच्छी तरह साफ करके रख लिया, जो आपके पास ज़्यादा प्याज हो और स्टोर करके रखने हो तो इस तरह खुली और ठंडी जगह में रखें, और हफ्ते में एक बार इनमें जरूर हाथ निकालें, कोई प्याज गड़ तो नहीं गया, खराब तो नहीं हो रहा, इस तरह चेक करते रहे हर हफ्ते। जो भी ऊपर का ये छिलका हो इसको उतार दे साथ के साथ। प्याज साफ करने के बाद ये छिलके बच गए, इन छिलके पर भी हम खाद तैयार करेंगे। इस तरह पानी में दबो कर रखेंगे इसकी कपड़े, और बहुत अच्छी खाद तैयार होगी। इनमें से ये प्याज का छिलका अपने आप उतर जाता है दो दिन रखने के बाद। जो भी इस तरह का खराब छिलके वाला प्याज हो, ये थोड़ा थोड़ा खराब होने लग गया था, इनको साफ प्याज के साथ ना डालें, इनको अलग रखें इस तरह के प्याज, नहीं तो ये फिर दूसरे प्याज को भी खराब कर देते हैं। इस तरह संभाल कर रखे साल भर के लिए प्याज। गर्मी और बारिश में प्याज को इस तरह संभाल कर रखें, हर हफ्ते जो भी इसका ऊपर का छिलका हो इस तरह का जो अपने आप निकल जाता है इस तरह निकाल लें, और प्याज में अच्छी तरह हाथ मारें तो कोई प्याज खराब तो नहीं हो गया। गर्मी और बारिश के मौसम में संभाल कर रखें प्याज को, क्योंकि सर्दी में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, ना प्याज ज़्यादा ख़राब होते, और अगर इनको ना देखें तो एक हफ्ते में ये गलने लग जाते हैं और ख़राब होने लग जाते हैं प्याज। संभाल कर रखें बारिश और गर्मी में प्याज।